अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर ज़ारा और अब तक आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपका बहुत बहुत। आज जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ, रोज़ाना सिर्फ आधा गिलास आपने जो मैं आज आपको जूस बताऊँगी वो आपने पीना है। 14 दिन में मोटापा आपका बिल्कुल गायब हो जाना है, पेट और वज़न इंतहाई कम हो आपका होगा। आपने क्या करना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बाजार से अनार, ठीक है, अनार आपने लाने हैं। अनार का आपने जूस निकालना है। जूस निकालने के बाद आपने अनार के जूस को हल्का सा नीम गर्म करना है। नीम गर्म करने के बाद आपने उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करें ताकि वो फुल एक बड़ा गिलास बन जाए। एक अनार लेंगे तो उसमें आधा गिलास जूस का निकलेगा। और आपने जब उसको फिल्टर करना है यानी उबालना है तो फिर आपको एक और गिलास उसके अंदर ही आधा गिलास ऐड करना पड़ेगा। पानी ऐड करके उबला हुआ आपने जो सा ये काफा टाइप बनेगा ये आपने पीना है। आपने फिर क्या करना है, इसके अंदर एक पूरा एक लेमन छोड़ के, ये बिल्कुल खट्टा सा बन जाएगा, वो बहुत टेस्टी होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा खटाई लगे तो कोशिश कीजिएगा, अनार सुरख रंग के हों, खटाई लगे तो फिर आपने इसके अंदर शहद ऐड कर लेना, ठीक है। ये बहुत प्यारा नुस्खा है, इसकी कदर जानिएगा। ये जो अनार का जूस आज मैंने आपको या ग्रीन टी टाइप जूसा मैंने आपको बताया है, ये इतना वजन कम करती है बहुत ज्यादा। बहुत से जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा लोग वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और मैं बात बताऊँ, जिन लोगों को दिल का मसला है और खून का मसला है, खून में खराबी है या खून में कमी है, या फिर खून इंसान का अक्सर दफे ऐसे होते हैं कि रेड सेल नहीं बन रहे होते, तो उसके लिए भी अनार का जूस बहुत ज्यादा मुफीद होता है। अब इसके बाद आपने डिटोस जो वाटर है वो आपने तैयार करना है। इनार के छिलकों को बिल्कुल भी नहीं आपने फेंकना, इनार के छिलकों को अच्छी तरह धो के एक बड़ा सा जग लें, उसके अंदर आपने डाल देना है। साथ में आपने मटर के दाने, अगर आपको मैं मटर के दानों के फायदे बताऊं तो यकीन माने कि इसके इतने ज्यादा फायदे हैं कि गिनने से बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन कुछ मैं फिर भी बताती चलती हूँ, वजन कम करता है और इंतहाई मटर जो उनसे है ना वजन को कम करते हैं। गेंठिया के दर्द में बहुत ज्यादा फायदेमंद है मटर के दाने, और इंसान के जिस्म में अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो, बुखार हो, हड्डियों का दर्द हो, जैसे ख़वातीन होती हैं, वालदैन होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अब जिस्म में दर्द महसूस होता है, टांगों में दर्द होता है, तो यकीन माने उन्हें उबाइल करके मटर और उसका पानी आप पिलाएंगे, उनको कभी भी दर्द नहीं होगा। हड्डियों को मजबूत करता है, जिन बच्चों की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हों या चलने फिरने में भी मतलब कि परेशानी होती हो, तो उनको मटर उबाल के या उनका रशियन साइलेंट में आपको एक बताऊंगी बनाना, वो आप बना के तो इसको बच्चों को खिला सकते हैं, ठीक है। तो पेट के कैंसर से मटर के जो दाने हैं वो दूर रखते हैं, चेहरे से छाइयां, दाग धब्बे, और अगर आप मटर का पानी, मटर मतलब कि उबाल के उसका पानी लेके अपने चेहरे पर रोजाना, जो आपके चेहरे पे छाइयाँ होती हैं, स्याहियाँ होती हैं, या बहुत से ऐसे मसलों की वजह से भी बन जाती है, खून में खराबी की वजह से भी वो बनती है, तो आपने वो लगाना है पानी, तो देखिए कितनी जल्दी इससे आपको फर्क पड़ता है। फ्रिज में रखें, ठंडा कर करके लगाएं चेहरे पे, देखिए आपको कितनी जल्दी रंग तो इतना ज्यादा फेयर कर देगा और साथ में बहुत ज्यादा आपको इफेक्टिव भी देगा, आंखों की बिनाई तेज करता है। हम लोग बहुत से लोग हैं जो मतलब के आंखों की वजह से परेशान होते हैं, आंखों की वजह, बस आपने सुबह निहार मुँह इसका रशियन साइलेंट टाइप सा बनाकर आप खा लोगे, देखिए वो ऐसे होता है, दही लो, दही के अंदर मटर डाल के थोड़ा सा मीठा डाल दिया, गुड़ शक्कर शहद जो भी आपको अफोर्डेबल हो वो आप डाल लो, और उसको उबले हुए मटर आपने डालने हैं और गाजरें डालनी है थोड़ी सी, थोड़े से मटर, थोड़े से सेब, ये 3-4 चीजें ऐड करके आप मजे से एक साइलेंट सा बनेगा जो बहुत मशहूर है, तो वो आप खाना शुरू करें, देखें फिर आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। खून में शुगर को कंट्रोल करता है, जितना भी आपका शुगर हाई हो तो फौरन मटर लाएं, उसको उबालें, बेशक उबले हुए मटर खाएं या फिर आप उसका पानी भी सूख कर सकते हैं यानी पानी भी पी सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। ये मटर के थोड़े से मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं, इसको आपने इसका डिटॉक्स वाटर तैयार करके तो ये पीते रहना है। साथ में जो मैंने आपको जूस बताया है वो जो टी बनाई है उसके अनार की, वो सुबह शाम आप लेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जारा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आप तक पहुंच जाए, और इस बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जैसे ही वीडियो पोस्ट हो तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका कोई परेशान दोस्त है या आपका कोई फ्रेंड है आप उसको भी ये वीडियो पोस्ट कर सकते हो ताकि उसकी मदद की जा सके। एक इंसान की मदद करना ऐसे है जैसे पूरी दुनिया के इंसानों की, परेशान हाल लोगों की मदद करना। इजाजत है, अल्लाह हाफिज। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।